जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीतिक दलों के बीच गठबंधन का दौर भी तेज हो गया है। सभी पार्टियां अपनी सहूलियत के हिसाब से विभिन्न दलों से हाथ मिला रही हैं। इसी में बात करें सत्तासीन बीजेपी की, तो पार्टी एक सोची समझी रणनीति के तहत इस बार बड़ी पार्टियों के बजाय छोटी पार्टियों से गठबंधन कर इन चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाने की कोशिश में है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन की राजनीति पर आगे बढ़ती नजर आ सकती है। सूबे की एक एक सीट पर जीत दर्ज करने के लिए रणनीति तैयार कर रही बीजेपी राष्ट्रीय लोकदल और हरियाणा लोकहित पार्टी के साथ मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ सकती है। बता दें आरएलडी और हलोपा दोनों ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के नेतृत्व वाली हरियाणा जन चेतना पार्टी भी इसी गठबंधन का हिस्सा बन सकती है। इस बार पार्टी क्षेत्रीय दलों के साथ बीजेपी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में है। आरएलडी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटी हरियाणा की जाट आबादी वाली सीटें देकर चुनावी मैदान में उतारने पर विचार चल रहा है, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में जाट बीजेपी से नाराज बताए जाते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि बीजेपी ने जाट नेतृत्व से सत्ता छीनते हुए पिछले 10 सालों में गैर जाट की राजनीति को ज्यादा हवा दी है। हालांकि भाजपा सरकार में जाट मंत्रियों की प्रभावी भूमिका रही और उसने जाटों को टिकट भी दिए, लेकिन जाट सीएम या कोई बड़ा जाट चेहरा नहीं होने का दर्द उन्हें लगातार परेशान कर रहा है। ऐसे में जाट मतदाता को अपनी तरफ खिसकाने के लिए बीजेपी ने एक रणनीति के तहत आरएलडी नेता जयंत चौधरी के साथ मिलकर चुनावी रण में नए समीकरणों का खाका बुना है। इसके अलावा विधायक गोपाल कांडा ने पहले दिन से हरियाणा की भाजपा सरकार को बिना शर्त समर्थन दे रखा है। ऐसे में बीजेपी भी शायद 10 से 12 सीटों पर हलोपा के उम्मीदवार उतारे। इसके अलावा ब्राह्मण समाज के क्षेत्रीय वोटरों को भेदने के लिए बीजेपी हजपा पर दाव चल सकती है, जिसमें बीजेपी हजपा को अंबाला व पंचकुला से 3 सीटें दे सकती है। बहरहाल ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि बीजेपी किन राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करती है, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी इस बार कोई भी गलती नहीं दोहराना चाहती जिससे उसके हाथ से हरियाणा की चाबी फिसल जाए, जिसके लिए वो हर मुकम्मल कोशिश करती नजर आ रही है।